आपने कभी ना कभी ये बात तो सुनी होगी कि पत्ता गोभी में कीड़ा होता है और वो दिमाग में घुस जाता है। इसी डर से अब हजारों या उससे भी ज्यादा लोग पत्ता गोभी खाना छोड़ चुके हैं। भारत में टेप वॉर्म को लेकर खतरे की घंटी करीब 20 से 25 साल पहले बजनी शुरू हुई, जब देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ मरीज सिर में तेज दर्द की शिकायत लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। ऐसे कई मामलों में मरीज को मिर्गी की तरह दौरे भी पड़ रहे थे। इनमें से बहुत से मरीजों की मौत हो गई, जबकि कुछ मरीजों के दिमाग में ये काफी संख्या में पहुंच चुके थे। कुछ रोगियों की जान बच गई, लेकिन बाद में उन्होंने पत्ता गोभी खाना बिल्कुल बंद कर दिया। जिन लोगों को ऐसे मामलों का पता चला, उन्होंने भी पत्ता गोभी से दूरी बनाने में ही भलाई समझी। रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड की दुकानों में बर्गर और चाउमीन जैसे प्रचलित खाने पीने की चीजों से लोग मुंह मोड़ने लग गए हैं। ऐसे में कुछ दुकानदारों ने पत्ता गोभी की बजाय लेटस लीव्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो देखने में बिल्कुल हूबहू पत्ता गोभी जैसा होता है, लेकिन उसमें टेप वॉर्म का खतरा बिल्कुल नहीं होता। टेप वॉर्म के डर से पत्ता गोभी जैसे पोषक सब्जी से दूरी बनाना लोगों की मजबूरी हो गई है और लोगों ने धारणा बना ली है कि इसे खाना हानिकारक हो सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये शरीर में कैसे पहुंचता है। हमारे घरों में पत्ता गोभी कभी सब्जी के रूप में तो कभी कच्चे सलाद के रूप में बहुत खाई जाती है। पत्ता गोभी के जरिए टेप वॉर्म हमारे शरीर में दो तरह से पहुंचता है। बेहद छोटे होने की वजह से ये हमें दिखाई नहीं देता और बेहद अच्छी तरह से धोने पर भी ये कई बार पत्ता गोभी पर चिपका रह जाता है। ऐसे में जब हम कच्ची पत्ता गोभी खाते हैं तो हमारे शरीर में इसके पहुंचने की आशंका सबसे ज्यादा हो जाती है। जब खाना कच्चा रह जाता है तो भी ये हमारे शरीर में पहुंच जाता है, इसलिए अब भारी संख्या में लोग पत्ता गोभी से परहेज करने लग गए हैं। इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के भ्रम हो गए हैं। लेकिन क्या है ये कीड़ा? ये कीड़ा आमतौर पर जानवरों के मल में पाया जाता है, जो कई अलग अलग कारणों से पानी के साथ जमीन में पहुंच जाता है। बारिश के पानी या गंदे पानी के रूप में इसके जमीन में पहुंचने की सबसे ज्यादा आशंका रहती है। यही वजह है कि कच्ची सब्जियों के माध्यम से ये हमारे शरीर में पहुंचता है। इसके अलावा संक्रमित मिट्टी के माध्यम से भी और गंदे पानी जैसे टेप वॉर्म के अंडे हो से भी इसका संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा हो जाता है। एक बार हमारे पेट में पहुंचने के बाद टेप वॉर्म का सबसे पहला हमला हमारी आंतों पर होता है। इसके बाद ये ब्लड फ्लो के जरिए हमारी नसों के माध्यम से हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है। हालांकि टेप वॉर्म से हमारी आंतों को होने वाले खतरा, यानी कि केवल एक या दो टेप वॉर्म का खतरा आमतौर पर ज्यादा खतरनाक नहीं माना जाता, जबकि हमारे दिमाग पर इसके हमले के गंभीर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके लार से होने वाले संक्रमण से एक गंभीर समस्या बन जाती है। कहा जाता है कि दिमाग में कोई बाहरी चीज आ जाए तो उसे दिमाग का अंदरूनी संतुलन बिगड़ जाता है। एक टेप वॉर्म की लंबाई 3.5 से 25 मीटर तक हो सकती है और इसकी उम्र का अंदाजा तो आप भी नहीं लगा सकते। इसकी उम्र लगभग 30 साल तक होती है। इस कीड़े के इलाज के तौर पर वह दवाएं दी जाती हैं जिससे वह मर जाता है या फिर सर्जरी भी की जाती है। लेकिन अब आखिर में बात आती है कि आखिर हम इससे अपना प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। पत्ता गोभी या पालक जैसी कुछ अन्य सब्जियों के सेवन से सावधानी बरतने के साथ साथ साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। खाना खाने या बनाने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से धोना ना भूलें। नाखूनों को हमेशा काट कर और साफ रखें। साफ सुथरे बर्तनों में खाना खाएं। टॉयलेट से आने के बाद अपने हाथ अच्छे से धोएं। कहीं बाहर जाते समय गंदा पानी ना पिए और हो सके तो अपना पानी साथ लेकर जाएं। टेप वॉर्म का इलाज और समय उसके प्रकार पर निर्भर करते हैं। मल एवं खून के सैंपल से इसकी मौजूदगी का पता चलता है। अलग अलग मामलों में दवा के इलाज से साथ साथ कुछ मामलों में सर्जरी भी की जाती है। वैसे तो आमतौर पर टेप वॉर्म का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है जो इस कीड़े को मारती है, तो अगली बार से पत्ता गोभी या कोई भी हरी सब्जी खाने से पहले उसको अच्छे से धोएं और अपना ध्यान रखें। और देखते रहिए सनराइज न्यूज़। धन्यवाद।